मैं मंत्री का मोबाइल लगा रहा हूं, आपके सामने बात कर रहा हूं, आप सुन लेना और आचार संहिता पहले पहले स्वीकृति ले लेना। अधिकतर बाहुल्य है, इन्होंने आज ही मेरे से मदरसा स्वीकृत करने की मांग की है। मैं आपको, मैंने माइक पे ले रखा है, मैंने अगर आपको स्वीकृति संहिता पहले दे सको तो आप बोल दो, मैं इनको स्वीकृति की दे देता हूं। आप घोषणा करो, आपका आदेश बिल्कुल सर आपको। पूरे लिखे मुगंड में जलेबी बना दी, सड़का की जलेबी बना दी ने 1100 किलोमीटर सड़क क्या निके भाई जी, ये गलती से कोई गड़बड़ हो जाए तो दूसरी सरकार या 200 एमएलए अगर आगे रिपेयर कर दे तो मेरा नाम गोविंद जो बेटी को कर सके कोई 1100 किलोमीटर की नई सड़क करता हूं। लेकिन हां, एक बात माननी पड़ेगी, मैं मंत्री बन गो, वो भी शिक्षा मंत्री, फिर प्रदेश अध्यक्ष बन गो, मेरो आबो जाबो कम होगो कि आपस के मायने छोटी मोटी आवड़ लूंगी, छोटो मोटो जगह आगे भागे दौड़े, बात से नाराजगी भी हो जाए, बात से गलती भी हो जाए, मेरे से भी गलती हो जाए, हो सके और से भी गलती होगी उली। लेकिन गोविंद डोटासरा सही करता है, सही कहता है, सही करेगा, सही कहेगा, सही का साथ देगा। मेरे दिन कुछ लोग गया कैसा जमीन गलत कटकी, ए भाई बैठ जाओ, इनको डॉक्टर को दिखाओ, कोई बात है क्या डॉक्टर साहब, देखो दिखाओ भाई कैसे ऐसे कैसे हुआ, गाड़ी लगाओ बेटा, क्या बात होगी बेटा, क्या पहले से कोई दोहरे आते हैं, क्या बात हुई है? देखो इनको दिखाओ, एक बार डॉक्टर के ले जाओ, पानी पिलाओ, डॉक्टर के ले जाओ, कई बात को मैं है? जमीन की बात मेरे पास आई, जैसा आप जमीन जहां बस्ती थी वहां नहीं कटती, दूसरी जगह कट गई। मैंने तत्काल तहसीलदार को टेलीफोन किया, एसडीएम को टेलीफोन किया, आप जांच करो, अगर जमीन गलत कट गई तो सही करो। और मैं आज फिर कह रहा हूं, कोई बादशाह में आ जाना, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, गिरदावर, पटवारी, पांच लोगों को एक साथ बैठा दूंगा, आप पांच गांव वालों के साथ में, अगर गलत कट गई, सही कटी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर गलत कट गई, इधर की इधर कट गई, मैं 24 घंटे में ठीक करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी, मैं गलत नहीं करता। दूसरा इश्यू रहा पट्टे का, साहब पट्टे दे दिए, पट्टे गलत दे दिए, सही दे दिए, ये मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। जिसको लगता है कि ये फैसला गलत हो गया, में जाए, पंचायत समिति में जाए, एडीएम के रिवीजन होती है जाए, कोई सब स्वतंत्र हैं, ईमानदारी से फैसला होगा, सातों संज्ञा मिल रही है, गोविंद डोटासरा किसी का पक्ष नहीं है, कभी गलत का पक्ष नहीं लेगा। लेकिन देखो, आरोप लगाना एक अलग बात है, सही बात क्या है वो अलग बात है। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं, मेरे तो लक्ष्मणगढ़ के तमाम लोग, जब मैं एमएलए बन गया तो सब लोग मेरे लिए बराबर, आज बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का हो, एमएलए तो गोविंद डोटासरा ही है, अगर उसके साथ मैं बेईमानी करूंगा, अगर उसके साथ मैं गलत करूंगा तो गांव में ऐसे मंच के ऊपर बैठ करके भाषण नहीं दे सकता। मुझे पता नहीं है बच्चे किस उद्देश्य से कैसे आए, कैसे नहीं थे, क्या करते हैं, कैसे विचारधारा से, इनकी मर्जी की बात है। जब मैंने पूछा भाई बच्चे कैसे आए, इन्होंने कहा मदरसा तो मैं समझा नहीं, तो इन्होंने कहा साहब मदरसा जैसे स्कूल खुलती है वैसे मदरसा खुलता है,
तो मैं कि यार छोटी सी बात इतनी सी बात है, गोविंद डोटासरा सिक्कर ने संभाल उड़ा दी, वो मदरसा का ही चीज है। क्या बात कर रहे हो? मैं इस मंच से दोबारा कहना चाहता हूं, हमारा कोई भी माइनॉरिटी का भाई किसी भी गांव में अगर मदरसा स्वीकृत कराना चाहता है तो गोविंद डोटासरा एक नहीं 11 करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो आदमी स्कूल खोल सकता है, 615 कमरे बना सकता है, 7 सीएससी बना सकता है, नेचर पार्क बना सकता है, ग्राम पंचायत नेचवा को एसडीएम बना सकता है, तहसील बना सकता है, पंचायत समिति बना सकता है, उसके लिए क्या बड़ी बात है भाई ये? और वो इसलिए बना सकता है कि आपने 3 बार मुझे एमएलए बना करके इतना बड़ा बना दिया कि किसी की हिम्मत नहीं मेरे को मना कर, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे को मना कर दे। आप भाषण सुनते हो, मेरा मुख्यमंत्री ये कहता है गोविंद डोटासरा ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोल दी, 4 करोड़ की जाजोत में स्कूल बन रही है, नहीं बन रही है देख लेना मेन रोड में, यहां 4 करोड़ की बन रही है, लालना में बन रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में सुबह कार्यक्रम करके मैं आया हूं। सुभाषजी हरिराम जी 240 आवे ना गडोड़ा गडोड़ा, आज ईट कौन लगाएगी? इनकी लक्ष्मणगढ़ में ईट नहीं लगाई हुई है। मैं आज नरोदरा में 53 करोड़ रुपए का हिसाब देके आया हूं और वहां भाषण देके आया हूं कि अगर सुभाष महरिया ने 15 साल एमपी और केंद्र में मंत्री रहते, पूरी तेसल में 53 करोड़ रुपए भी एक पंचायत के बराबर लगाती हो तो मुझे कह देना टेलीफोन करके कि गोविंद डोटासरा तू कह रहा था ये मैं सुभाष महरिया हिसाब लेकर के आया है, क्या बात करते हो? केंद्र में पीएमजीएसवाई की सड़कें बनी होगी, वो नियम से आती है, न गोविंद डोटासरा का रोल है, न सुभाष महरिया का रोल है, न सुवेदानंद का रोल है, आबादी के हिसाब से प्रधानमंत्री सड़क आती है। मैं जो 1100 किलोमीटर सड़क ले आया हूं ना, वो 1100 किलोमीटर सड़कें राजस्थान के राज्य मद से हमारी सरकार से लेकर के आया हूं। ये जो पैसा है ना सीएससी का 5 करोड़ 15 लाख रुपए, 300 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने लोन लिया है, एक फूटी कोड़ी नहीं है देश के प्रधानमंत्री की और केंद्र सरकार की, एक फूटी कोड़ी नहीं है। भाषण देता है, कभी जोधपुर में आते हैं, कभी चित्तौड़ में आते हैं, कभी सीकर में आते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को कोसते हैं, कांग्रेस की सरकार को कोसते हैं, उनको थोड़ी बहुत भी नहीं समझ में आती कि 2000 यूनिट फ्री किसने की, 100 यूनिट घर की फ्री किसने की, 1000 रुपए पेंशन किसने किया, फूड पैकेट कौन बांट रहा है गरीबों को, 25 लाख का इलाज कौन कर रहा है, 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कौन दे रहा है, 125 दिन की नरेगा में रोजगार कौन दे रहा है, बातों पेट भरे के काम करना पड़ा। केकर वोट मांगे ना है, बड़ा बड़ा आदमी आवे केकर, अगर दिनेश जी टिकट मिलेगी तो मैं आप कहेंगे मैं 3 बार हार गो, 1 बार मेरे का नहीं मिलेगा, आई कहेगा, या आप कहते हैं मैं हैंडपंप खुदाई हो, ट्यूबवेल खुदाई हो, पीएचसी कराई, सीएचसी कराई, कराई तो कहें कह देगा भाई 1 बार। हरिराम रणवा जी आवेगा तो क्या कहेंगे, मेरे को संघ ने आदेश दिया है इसलिए आ गया, भाई संघ को क्या लेने देना रेडी मिला रहा हूं, है कोई संघ रे, संघ को कोई ट्यूबवेल है, टंकी, पीएचसी, सीएचसी, सड़क है, या कोई डाबरा को क्या करेगा कुमारा को करेगा क्यों? महरिया जी आऊंगा तो एक ही बात कहेगा, मेरी गाड़ी पटड़ी उठू की कोठी छटाओ, भाई जी पटड़ी उठू के एक्सीडेंट होने बा खटारो हो जाए कारखाना में जावे ना ना कोठी छटावे और कोई बैठ जाए मच जाए और वो एक्सीडेंट हो गया, तो बाढ़ बने 1 बार हो गई, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया,
2009 में एक्सीडेंट हुआ था, ये गाड़ी जो आधन को पटड़ी चली गई। अब भाई जी 10 साल पुरानी गाड़ी में तो दिल्ली में प्रवेश कौन करवा दे, कौन करवा दे ने? जयपुर में ही कौन करवा दे? आजकल कानून ही बदलगा। गोविंद डोटासरा अगर था का काम किया है ईमानदारी से, 36 को माने सागर ले चालियो है तो वोट को अंगार है। अगर गोविंद डोटासरा ने काम नहीं किया तो एक वोट मत देना। और जकैदी ने खेत जाओ मेरे घर, और जकैदी ने थाने आ सूचना मिल जाए मेरे पीए या मेरे परिवार को आदमी आके दे कि साहब सोरे दो घंटा बाद में उठूंगा, जकैदी ने एक वोट ही मत दीजिए मत। और नहीं मैं सुबह जी 9 बजे फार्म हाउस खोले, 11 बजे 20 किला को ताड़ो लटकार घर भाग गया। ढूंढता फिरोगा भाई के कि छोटी मोटी आपस की आबड़ू मेरे चटियो मत दो यार। ये बोलिया डायरेक्टर की टिकट मेरे को कोई मांगी को नहीं, जेनवल मांगी, मैं जेनवल ने दे दी। अब दो आदमी जेनवल के पक्ष में भी तो दो खिलाफ भी हो सकते, छोटी मोटी कमी भी रह सके अच्छी भी रह सके। इन टेम है ना, वो टेलीफोन कर लिए मोबाइल कर लिए, टेलीफोन करो को नहीं, जहां स्कूल खुले जहां मैं इन मोबाइल पर भेजू भाया स्कूल खुल की गांव का कह दे। अब वो गांव का कह जा कोई गए तो बाय कोई गए गड़बड़। तो आके आपस की सरपंच की जनवल की खाके आपस की आप बढ़ो कीचड़ साहब मेरे डा हिम्मत दिवा दी बटे नू आयो बटे। मैं कोई टाइम एक बार आके हो मैं क्यों तहसील के मायने में प्रधान होना देना सौ बेस्ट सौ शुद्ध सरपंच हो नत्तू का। और आज भी गोरी की आय है कदे कोई की निंद्रा नहीं करे और नहीं करे। मैं आज ही मंच के पर हूं आप कहना चाहू मैंने कई लोग नट्या भी आ तू करजे मत, जमीन वाली बात मत करजे, पट्टाली मत करजे। मैं क्यों गोविंद डोटासरा के पट्टी कोई गोल लगा सके, गोविंद डोटासरा सही दशा के है। अगर कोई चीज सही है तो सही रहेगी, कोई चीज गलत है तो गोविंद डोटासरा गलत के साके कोनी। लेकिन भाई जी आपस की आप बढ़ू मेरे ताती कुछ मत डाली समझ बात में से क्या क्या भी था के कोई क्या है कि भाई आज जमीन गलत उन्ने की उन्ने होगी। मैं थाने खुली कह जाऊं 5 आदमी आ जाओ, 5 अधिकारी कलेक्टर से तो बटो कोई वही होनी भी के सामने नहीं बैठा दू ना तो मेरे दोस्त अगर देख रहा बता दे कि समझदार आदमी कोई भी चले जाइयो जगह समझे जमीन ने मैं कह दे सही है तो भाई मैं क्या करूं, गलत है तो मैं सही करा दू। इसलिए मैं एक ही बात करना चाहूं विकास के काम में बलारा ने मैं नंबर 1 रखो है। पहले भी बलारा मेरे पर आशीर्वाद दियो, आज भी असंख्यार की टाइम 3 बजे से बैठी है। इससे बड़ी पूंजी मैंने न तो चाहे, आई मेरी पूंजी है, आई मेरी ताकत है, आई मेरी ऊर्जा है और आई चीज है जगह से मैं कोई दिन लाड साहब की परवाह करूंगा। इतने बजे से बैठी है माताएं बहने आप बताओ, 2 बजे से बैठी है। मैं सलूट करता हूं मेरी माता बहनों को, गोविंद डोटासरा आपका बेटा है आपका भाई है, सही काम करेगा गलत कभी नहीं करेगा। और विकास के लिए कोई भी मेरे दरवाजे पे आ जाए जो काम होगा कह दूंगा हो जाएगा, जो काम नहीं होगा नहीं होगा, और जो काम हो सकता है मेरे लिए मैं यहां कह दूंगा दिनेश में देख समझ समझेगा बात। अब मेरे एकदम मैं कह यार आ युवा शक्ति का पानी तो बोले अपन नाचा अने एक मदद सोई तो चाहिए जाए कॉलेज मांग लेता तो बता रहा हम कॉलेज दे जाए तो भाई दादू जी एक कॉलेज मांग लेता ने जैसे मैं कॉलेज दे जाए तो मोटेरो कहेंगे भाई जी है भाई जी के बीजेपी के टेम में सीनियर कराई 5.5 लाख रुपया जमा कराया गांव का उधार।
अब बात आई है एक तो सेमी पराली सड़क उंदरा की सेमी पराली मैं यही इनने कहो मुको भाई देख आचार संहिता करिए चालू कर दीजिए नहीं लोग शिकायत भी कर सके बीजेपी वाला ठीक है ना बाहर में क्यों चालू होनी हुई बोले बाढ़ तो भगा दी मैं कि यार बाढ़ भगा वो मजो को नहीं है सड़क चालू कर तो मैं दो तीन दिन के मायने बस सड़क चालू मानी गई है कार्यक्रम चालू ही कोई वर्मा जी रोक नहीं सके कोई शिकायत रोक नहीं सके सबके दिन वोट पड़े थी सब पहली सड़क बन जा कोई जी और सड़क के ऊपर मछोड़ा दे दिए राज्यों और मशीन में कांग्रेस ने वोट दी कई मांग हो रही है पानी की भी आई है ट्यूबवेल की भी आई है एक बाबा जी बाहर मेरे कनाया के साथ सड़क बने लिए मेरा तकलीफ है ये टेलीफोन पर नोट करा दीजिए और सरपंच